ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन यह किसी से भी छिपा नहीं कि मौजूदा वक्त में शराब के होम डिलीवरी तक कुरियर इन सब के बीच गांव देहात में जहरीली शराब बनाई जा रही है, जिससे पीने से लोगों की जान जा रही है। और इस जहरीली शराब से पीने से मौत मामले में एडीजी मुख्यालय का बड़ा बयान सामने आया है, और क्या कुछ कहना है एडीजी मुख्यालय का, आइए सुनते हैं। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही स्थानीय प्रशासन की पूरी टीम घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गोपालगंज की घटना हो या बेतिया की घटना हो या किसी भी और अन्य जिले की घटना हो, स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश हैं। इस तरह की सूचना मिलने पर ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाते हैं। इन सभी मामलों में भी जिला प्रशासन, जिसमें जिला पदाधिकारी स्वयं शामिल हैं, पुलिस अधीक्षक, एक्साइज विभाग की टीम लगातार वहां पर जा करके जो घटनाएं हुई हैं उसकी बारीकी से छानबीन कर रही है। सभी मामलों में कांड दर्ज कर लिए गए हैं और नियमानुकूल जो कार्रवाई है उसके आधार पर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा आदि सभी कार्रवाई की जा रही है। जो मेडिकल टीम वहां पर भेजी गई है, वो मेडिकल टीम आसपास के लोगों का जो भी इलाजरत हैं उन सभी का बयान लेकर के उनके उपचार की जो आवश्यक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई कर ली जाएगी और की जा रही है। आगे भी उनकी मदद की जा रही है। जो अनुसंधान है वो अनुसंधान का विषय है कि इसमें किस तरीके से घटना हुई है, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसके शरारती तत्व इसमें और पीछे कौन कौन लोग थे, जो लोगों के कारण ये घटना हुई है उन लोगों की पहचान कर अनुसंधान के क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत संवेदनशीलता से इस पूरे अभियान को सफलीभूत किया है। वर्तमान में पंचायत चुनाव के माहौल में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात है, फिर भी इस तरह की घटना हुई है उस पर हम लोग कड़ी निगरानी रखना और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कितने लोगों की सर कैजुअल्टी हुई है अब तक? अभी वो स्पष्ट सूचनाएं कंपाइल हो रही हैं और जो भी सूचनाएं आएंगी हम आपसे साझा करेंगे। बहुत सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, छापामारी भी की गई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जैसा मैंने कहा, अब ये आपराधिक मामला हो गया है और आपराधिक मामले के अनुसंधान की जो प्रोटोकॉल प्रक्रिया और जो शीघ्र कार्रवाई है वो सबके लिए टीम बना के कार्रवाई की जाए। सर अब तक 48 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है, इन चारों जिलों की अगर बात करें तो सर ऐसे में क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, स्थानीय तौर पर लगातार इसको देखा जा रहा है जैसा मैंने आपको बताया और उस पर जाँच की कार्रवाई की गई। स्थानीय तौर पर दोषी जो आपके चौकीदार होते हैं जिनको जगह जगह की सूचना देनी है उन पर, और थाना के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो चुकी है और सारे मामले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और हम लोग इस मामले की जांच करा रहे हैं और दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हुई है? सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है। तो हमारे संवाददाता मरगूब वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जहरीली शराब पीने से मौत मामले में क्या कुछ कहना है एडीजी मुख्यालय का? देखिए करिश्मा, पूरे मामले की जांच राज्य पुलिस मुख्यालय खुद भी करा रहा है। ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जहरीली शराब मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय ने खुद से जांच शुरू कर दिया है और उसके बाद कई लोगों पर गाज गिरेगी, कई अन्य लोगों पर कार्रवाई होगी। एडीजी मुख्यालय ने हमसे कई मामलों पर विस्तार से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि जो मौत का संख्या है उसके बारे में अभी जिले से अपडेट आ रहे हैं, इसीलिए कोई कंक्लूड हम जनसंख्या मौत की संख्या आपको नहीं बता सकते। दूसरा, ये एक आपराधिक मामला है और आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई होगी। तीसरा, उन्होंने कहा इस पूरे मामले के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं जिन लोगों ने इस पूरे गंदे कृत्य को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ अनुसंधान के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एक मिसाल होगा, जिस तरह की कार्रवाई होगी एक मिसाल होगा। चौथा, जो उन्होंने कहा कि जिले के प्रशासनिक इकाइयां बिल्कुल सतर्क है, लगातार निगरानी की जा रही है, पुलिस मुख्यालय खुद निगरानी कर रहा है, तो बिल्कुल जो भी लोग शामिल हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा बयान जितेन सिंह गंगवार जी का ये था कि पंचायत चुनाव में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी इस तरह की घटना हो गई, ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस पूरे कृत्य में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे जो हो,
उनका जांच किया जा रहा है, अनुसंधान के बाद उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी। जो लोग इलाजरत हैं, लगातार मेडिकल की टीम लगी हुई है, उनका इलाज किया जा रहा है, उनको अन्य तरीके की भी सुविधा राज्य सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों को द्वारा दी जा रही है। और किसी भी परिस्थिति में मरगूब क्या लगता है, क्योंकि जिस जिले से ये जो तमाम खबरें सामने आ रही है, जितने लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तो जांच के विषय जरूर है, लेकिन ये भी सामने कहा जाए मरगूब कि जिन जिलों में ये जो घटना हो रही है, क्या उन जिलों के अधिकारियों पर भी इस मामले को लेकर गाज गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब किस तरह कितने बड़े अधिकारी पर कार्रवाई, यह कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई हुई। लेकिन देखिए करिश्मा, जहरीली शराब कांड निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे राज्य सरकार और पूरे पुलिस सिस्टम और प्रशासनिक सिस्टम के सामने खड़ा कर दिया। और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को फेल करने में शराब माफिया लगे हैं, और अब तो जहरीली शराब बना करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। कम दामों में उन्हें शराब परोसते हैं और वो लेते हैं बेचारे, और लेने के बाद वो कम दाम के कारण पीते हैं, उनकी जान जा रही है। तो इस पूरे नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूरी पुलिस की टीम लगी है, हर परिस्थिति में हम लोग सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नेक्सस को तोड़ेंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं, और जो कार्रवाई होगी वो एक मिसाल होगा। ये बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।